नमस्कार, मैं हूं पुनीत सिंह। आप देख रहे हैं देश का पहला इंटरेक्टिव मोबाइल न्यूज चैनल अमर उजाला टीवी। हिंदी फिल्में और स्पोर्ट्स का नाता बहुत पुराना रहा है। बहुत सी फिल्में बनी हैं, लेकिन उन्हें बॉक्स ऑफिस पर जैसा रिस्पांस चाहिए होता है वैसा नहीं मिलता है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें हॉकी की, तो हॉकी पर इससे पहले शाहरुख खान एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, जो कि कामयाब भी रहा था। लेकिन अब दिलजीत एक ऐसी बायोपिक लेकर बाहर आ रहे हैं और बहुत जल्दी लोगों के बीच में वो फिल्म आएगी। क्या कहना है दिलजीत का? दिलजीत, बहुत संदीप की कहानी जो है मैंने तो सुनी है, पढ़ी भी है, देखा भी है। कितना मुश्किल था संदीप का वो दर्द, वो जो फेस था, उसको बाहर तक लाना। मुझे लगता है मेहनत की। शाद अली सर ने, डायरेक्टर जो हमारे हैं, तो उन्होंने बहुत काम किया हुआ था, और चित्रांगदा मैम जिन्होंने ये स्टोरी सिलेक्ट की, और दीपक जी, इन्होंने ये कहानी पहले से ही बहुत मेहनत कर रखी थी इस पर। उसके बाद सोनी पिक्चर्स जब आए, और स्नेहा मैम और उनकी पूरी टीम, प्रांजल पाजी, कल्पेश पाजी, ये सब लोगों ने बहुत मेहनत कर रखी थी ऑलरेडी। तो मेरी मेहनत तो सिर्फ मेरा काम था जो मैं करता हूँ। मुझे हॉकी सीखनी थी, लगना था कि एक प्लेयर लगना चाहिए, और जो मेरा काम है कि मैं एक्ट करूँ अच्छे से जो उनकी लाइफ में हुआ है। कभी हॉकी नहीं खेली? नहीं, मैंने नहीं खेली थी हॉकी, तो हॉकी कभी खेली नहीं थी लाइफ में, उसलिए थोड़ी परेशानी हॉकी में हुई, अदरवाइज तो ठीक। कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मतलब बायोपिक तो मेरी पहली बायोपिक है। हाँ जी, पहली बायोपिक है। और कितना मुश्किल हो जाता है कि जब जिस पर बायोपिक बन रही है वो सामने है? नहीं, ईजी हो जाता है ये, मुझे लगता है, सॉरी, ये ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर वो आपके सामने है तो थोड़ा हेल्प हो जाती है। अगर गलत है तो राइट अवे पता चल जाता है। ऐसे नहीं है कि फिल्म बने और उसके बाद उनको बंदा गया, यार ये क्या किया तुमने। तो संदीप सेट पे रहते थे? हाँ, सर, रहते। तो संदीप की अगर बात करें सबसे पहले, क्योंकि जिसके बारे में कहानी है, संदीप से कोई एक चीज़ जो सीखी हो? एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए पाजी से हमें। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जैसे उन्होंने कम बैक किया वापस, जो कि सब लोगों ने बोल दिया था कि यार अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, डॉक्टरों ने बोल दिया था चल नहीं पाएगा, हर चीज़ चेंज हो गई थी उनकी लाइफ में। 2 साल वो पैरालाइज रहे, वो चल नहीं, वाकई में नहीं चल पाए, तो वो कैसे अपनी लाइफ उन्होंने दोबारा खड़ी नहीं की, बल्कि कैप्टन बने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मतलब ये बहुत तगड़ा जज्बा चाहिए बंदे की लाइफ में, और वो होता तो आपके अंदर ही है, अपने आप की फ़ाइट होती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो उनसे सीखी, कि किसी भी मुकाम पर, किसी भी टाइम, हालांकि कह देना बहुत आसान होता है, कई बार बंदा दिल छोड़ जाता है। ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट है, कभी छोटी छोटी बातों पर भी हम छोड़ जाते हैं। मैं हर रोज़ ही कई बार बंदा गिव अप है, यार नहीं है शायद, यार ये गलत हो गया मेरे साथ, यार पता नहीं हो क्यों नहीं रहा ये। तो ये हर बंदे की लाइफ में, सिर्फ स्पोर्ट पर्सन की नहीं, हर बंदे की लाइफ में ये चीज़ आती है। आपके भी आई होगी 100%, मेरे भी आई है 100%। आई थिंक हर बंदा इससे रिलेट कर सकता है। अच्छा, जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब ये एक्सीडेंट हुआ था संदीप के साथ, उस वक्त आपको मतलब आपने कभी पढ़ा था? नहीं, कभी नहीं। सिर्फ इतना ही पता था कि संदीप जी कैप्टन रह चुके हैं हॉकी इंडिया के, बस, बाकी कख नहीं पता। तैयारी करने में मुश्किल सबसे ज़्यादा क्या आई? हॉकी सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि मैंने हॉकी खेली नहीं, कोई किसी भी स्पोर्ट में मेरी कभी रुचि रही नहीं। तो बॉडी लैंग्वेज जो एक होती है प्लेयर की, वो बड़ी पता चलता है, बंदा ये प्लेयर है आप देख के बता सकते हो। तो खड़ा होना, स्टांस आपका, खेलना, हॉकी पकड़ना, जो नहीं अनाड़ी बंदा है वो गलत ही पकड़ लेता है। खड़ा खड़ा वैसे ही अगर नहीं खेल रहे तब भी कैसे पकड़नी है हॉकी? जब आप खेल रहे हो तब तो कैसे पकड़नी है वो तो सीखना ही है, जब नहीं खेल रहे हो, ग्राउंड में खड़े हो, तब भी आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है एक प्लेयर की, तो वो सब चीज़ें सीखने में बहुत टाइम चला गया। अमूमन जब बायोपिक बनती है, तो जब एक्टर्स से पूछा जाता है कि क्या खास तैयारी की, तो उठना, बैठना, सोना, खाना पीना फॉलो किया जाता है। हाँ, ये तो बेसिक्स हैं। मतलब ये कोई ऐसा ही नहीं, कुछ अलग हटकर कुछ खास मेहनत करनी पड़ी हो, ये बेसिक्स हैं। आप इसको गिनाना शुरू कर दो ए से लेके जी तक, तो चलो वो गिनाते रहो, लेकिन ये सब बेसिक्स हैं। अगर आप बायोपिक कर रहे हो तो ये तो है ही बेसिक्स, उठना, बैठना, खाना, पीना। एक बहुत बड़ा टास्क आया हो, जो हॉकी तो था ही, हॉकी सबसे बड़ा टास्क था, सबसे ज्यादा मुश्किल उसी में, सबसे बड़ा, बड़ी टफ गेम है बाबा, बहुत बड़ा टास्क था। कभी स्पोर्ट्स में और किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा? नहीं, मैं देखता नहीं, मैंने कभी क्रिकेट नहीं मैं ज्यादा फॉलो किया, कभी हॉकी नहीं किया, कभी कोई स्पोर्ट मैंने फॉलो नहीं किया। मैं म्यूज़िक को, मुझे शौक था,
मेरे डैडी खेलते थे हॉकी हमारे गांव में, और भी मेरे फ्रेंड्स खेलते थे हॉकी, लेकिन कभी मैं नहीं खेलता। हॉकी हमारी नेशनल गेम है और हमें स्कूल में पढ़ाया भी ऐसे ही गया। लेकिन अभी एक जो ट्वीट हुआ उससे मुझे पता चला, जो कि सीएम उड़ीसा हैं उन्होंने ट्वीट किया है कि हॉकी को प्लीज़ नेशनल गेम का दर्जा देना चाहिए हमें। ऑफिशियली नहीं है, सिर्फ वर्बली है ये बात, और गूगल पे आप सर्च करते हो तब भी यही आता है। तो हर बंदा ही शौक होता है, मैं भी शौक हुआ। दो दिन पहले मुझे भी पता चला कि हॉकी को अभी नेशनल गेम का दर्जा नहीं मिला है। मुझे लग रहा था कि मैं जो हमारी नेशनल गेम है उस पर फिल्म बन रही है, और मुझे उल्लू को ये भी नहीं पता था कि हमारी नेशनल गेम है ही नहीं। अच्छा जी, बायोपिक्स बहुत सारी बनी है, कोई एक बायोपिक अगर कहेंगे वो आपको एक पोश पसंद आई हो, दिल के करीब हो, बायोपिक्स देखी है कभी? बायोपिक सब ज़्यादातर देखी मैंने। किसकी बायोपिक ने सबसे? भाग मिल्खा भी देखी थी मैंने, और धोनी भी देखी मैंने। अच्छी पिक्चरें थी दोनों में, दो पिक्चर देखी मैंने, अच्छी पिक्चर बनी थी। और मैरी कॉम भी देखी थी मैंने, वो भी फिल्म ठीक अच्छी बनी थी, बहुत मेहनत की थी उस पर भी। और भाग मिल्खा भाग पे भी बहुत मेहनत हुई थी, और धोनी भी मुझे बहुत प्यारी लगी। अच्छी फिल्में इंस्पायर करती हैं, एक जज्बा आता है भाजी अंदर, एक देशभक्ति का भी आता है, और वैसे भी कुछ लगता है लाइफ में यार कि एक स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं ना, इनकी एक अलग एक वो एक्स फैक्टर होता है वो, जो मतलब बंदा डबल इनके अंदर होती है एनर्जी ऊर्जा किसी भी मुश्किल हालात को झेलने की, तो वो हर इंसान को मुझे लगता है फॉलो करनी चाहिए। तो जब ये फिल्में देखी थी मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। अच्छा, एक ट्रेंड और है कि रीजनल सिनेमा से जब कोई हमारे पास हिंदी फिल्मों में आता है तो सक्सेस जो होती है बहुत जल्दी आसपास नहीं आती है। आपके ट्रैक, आपका जो ये ट्रैक रहा है उसमें ऐसा नहीं रहा है, आपने उड़ता पंजाब की, लोगों ने बहुत सराहा, उसके बाद फिर एक और फिल्म, बहुत अप्रिशिएशन मिला। पंजाबी फिल्में और हिंदी फिल्में, वो ये जो कॉम्बिनेशन था दोनों का, डिफरेंस था ऑडियंस, यहाँ का काम करने का तरीका, उसमें कोई फर्क नज़र? सेम, कोई एक चेंज, कोई एक वो ऐसी चीज़ कि जो दोनों में सिंक करना मुश्किल होता है? पैसा ही है भाई जी, पैसा इनके पास ज़्यादा है, हमारे पास थोड़ा कम है। बॉलीवुड फिल्मों में पैसा ज़्यादा है, नंबर ऑफ थिएटर्स ज़्यादा हैं, पंजाबी बोलने सुनने वाले उतने लोग नहीं हैं। फिल्म तो फिल्म होती है, सिर्फ भाषा का ही फ़र्क होता है। अगर हमारे पास भी उतने थिएटर्स हों और लोग देख सकते हों फिल्में, तो शायद उसका बिज़नेस भी बड़ा हो। बेसिकली तो हम बिज़नेस वाइज देखते हैं ना, हिंदी फिल्में बड़ी हैं पंजाबी फिल्मों से, क्योंकि बिज़नेस बहुत है, तो थिएटर्स ज़्यादा हैं। साउथ की तो मतलब एग्जाम्पल ही और है, तो अब चाइना में हमारी फिल्में जा रही हैं, वहाँ भी कितने थिएटर्स हैं, छोटे छोटे थिएटर्स कितने हैं, तो और बड़ा बिज़नेस आ रहा है। ले देखे, फिल्म तो फिल्म है, प्रेजेंटेशन पे बात आ जाती है, और हिंदी बोलने वाले क्योंकि हमारी लैंग्वेज है तो ज़्यादा समझते हैं लोग उसको। वैसे पंजाबी आसपास ही है, हिंदी के बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, अब काफ़ी करीब आ चुके हैं, तो समझ आती है, क्योंकि अब लोग इंटरनेट पे भी बहुत कुछ देखते हैं, नेटफ्लिक्स और वो सब सीरीज़ भी आ रही हैं, काफ़ी सीरीज़ देखते हैं लोग, तो थोड़ा इजी हुआ है, अब सब देखते हैं। अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो 1984, उसके बाद फिर सरदार जी की सीरीज, ये जो कॉम्बिनेशन है, एक वो इंटेंस करेक्टर वो जो प्ले किया, और ये जो कॉमेडी, उसके बाद ये जो वाइस वर्सा, एकदम एक ही सिक्के का दो पहलू जो नज़र आ जाते हैं आपके, ज़्यादा इन्जॉय किसको करते हैं? एक होगा, कॉमेडी टफ है, इमोशन हो जाता है, चलो ऐसे नहीं कहूँगा एम ही हो जाता है, लेकिन कॉमेडी में बहुत ज़ोर लगता है, किसी को हंसाना बहुत टफ है। यहाँ बॉम्बे में लोग जल्दी हंसते हैं, पंजाबियों को हंसाना बड़ा टफ है, क्योंकि वो खुद इतने ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं लाइफ में, तो उनको छोटी मोटी बात पे तो हंसी आती नहीं ना। मैंने देखी हिंदी फिल्में यहाँ थिएटर्स में जाके, लोग छोटी छोटी बात पे हंस रहे होते हैं, तो इतनी हंसी वाली बात तो थी नहीं, तो अच्छी बात है। शायद काम बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है दिमाग पे, तो जल्दी हंसी आ जाती है। पंजाब के लोग वैसे थोड़े ज़्यादा खुश दिल और खुले होते हैं, तो उनको हंसाना बड़ा टफ है, तो मुझे लगता है कॉमेडी थोड़ा टफ रहा है, मैंने जब भी किया है। मज़ा मुझे दोनों में आता है, क्योंकि फिल्म बेसिकली फिल्म मेन होती है, डायरेक्टर मेन होता है, कलाकार तो सारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं। कौन सी सिचुएशन थी जिसने लाइफ में एक चेंज लेकर आई,
एक्टिंग करियर में, इंडस्ट्री में, एक्टिंग करियर पंजाबी या हिंदी जहाँ पे चेंज आया हो? चेंज आई थिंक अगर मैं कहूँ कि कमर्शियली हिट हुई फिल्में वो सरदार जी, जाट एंड जूलियट सीरीज, वो सब हिट हुई फिल्में, लेकिन अगर काम की बात करूँ तो पंजाब 1984 जो फिल्म थी उसकी वजह से काम मुझे यहाँ मिला, लोगों ने वो देखी हुई थी, लेकिन कमर्शियली वो इतनी हिट नहीं थी फिल्म। तो मुझे लगता है कि पंजाब 1984 की वजह से मुझे यहाँ काम मिला हिंदी इंडस्ट्री में। बाकी पहले जाट एंड जूलियट फिल्म आई थी उसके उससे काफ़ी चेंज हुआ। किस गाने ने एकदम ट्रैक रिकॉर्ड ही चेंज कर दिया? ऐसा नहीं, गाने की अभी मियाद इतनी रह नहीं गई, तो काफ़ी गाने हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम चलते रहते हैं। फिर कोई एक गाना जो लग रहा हो कि इस गाने ने? एक गाना कोई ऐसा है नहीं भाई, नहीं ऐसा कोई एक गाना मैं कहना भी नहीं चाहूँगा और है भी नहीं। बहुत सारे गाने हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, फिर मैं बोल दूँ अगला गला यार मुझे तो ये पसंद था, इसने हमें ये बोल दिया। तो गाने तो करते ही रहते हैं। सुरमा की भी बात करेंगे, इसके गानों की भी बात करेंगे, लेकिन एक आप जो भी हमारे व्यूअर्स को कोई दो लाइनें अगर 100% अभी फिल्म सुरमा ही आ रही है तो सुरमा से ही सुनाऊंगा। मेन हमारे लिए अभी सुरमा है, बाकी गाने और सुरमा का भी गाना जरूर वही सुनाते हैं, उसी पे रखते हैं। हाँ। तो गुलजार साहब ने लिखा है और शंकर एहसान जी का म्यूजिक है, अभी 2-3 दिन पहले रिलीज हुआ है, उसकी दो लाइनें सुनाता हूँ आपको। इश्क दी बाजियां जीतियां न हारियां हो जान से लग गई जान की यारियां। अच्छा सुरमा की बात करते हैं, सुरमा शाहरुख खान की चक दे मूवी देखी आपने? हाँ देखी। तो हॉकी का जो रिप्रेजेंटेशन था, जिस तरह से हॉकी का जो गेम था वो इस ऊपर लेवल पे लेकर आए, लोगों को फिल्म में इंटरेस्ट नहीं था पहले कि हॉकी पर कोई बहुत रिस्क है, लोगों को लगता था कि रिस्क है बहुत, तो आप कितना डर है अंदर इस बायोपिक को लेकर? नहीं डर डर की अगर देखो अगर तो फिल्म अच्छी हुई तो चलती है, अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो आप किसी भी विषय पर बना लो नहीं चलेगी। और जो आपने फिल्म की बात की चक दे इंडिया, बहुत प्यारी फिल्म थी, मैंने थिएटर में जाके देखी, शिमत अमीन जी उनके जो डायरेक्टर हैं वो बड़े प्यारे डायरेक्टर हैं, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है। रॉकेट सिंह भी बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने। और ये फिल्म उस फिल्म से इसलिए अलग है क्योंकि ये बायोपिक है, वो बायोपिक नहीं थी। लेकिन एक वो डर कि ऑडियंस की एक्सेप्टेंस, डर तो भाजी डर इस फिल्म के लिए, डर हर फिल्म के लिए होता है, जब रिलीज होने वाली होती है तो डर तो होता ही, क्योंकि आपने इतना 1-2 साल लग गए होते हैं आपके और काम आपने किया होता है, और वो काम भी आपके हाथ में तो होता नहीं, फिल्म डायरेक्टर की होती है, एक्टर की नहीं होती, फिल्म डायरेक्टर की होती है, उसने कैसी बनानी है फिल्म, या डायरेक्टर की उतनी कमांड हो एक्टर की कि ये भाई ऐसी बनेगी, अब मेरी कमांड तो इतनी है नहीं, मैंने अपना रोल जो करना था वो कर दिया। तो अभी फिल्म तो शाहद अली जी की है और सोनी की है, हम सब जोर लगा रहे हैं कि स्टोरी कहानी बहुत अच्छी है, लोग एंजॉय करें देखें जाए। गुलजार साहब के साथ मुलाकात हुई? हाँ जी मुलाकात। कैसा रहा वो उस एक्सपीरियंस के बारे में? बड़ा प्यारा। गुलजार साहब के साथ जो भी मिलता है वो एक्सपीरियंस हमेशा सब कोई हर कोई नया एक्सपीरियंस ही लेकर आता है, आपने क्या? मुझे लगता है बाकियों की तरह ही होगा, बड़े प्यारे इंसान हैं वो और लेजेंड हैं, उनसे मिलना बातें करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं कभी मिला नहीं था उनसे, बहुत ही काम उनकी पर्सनैलिटी है। मैंने तो उनके वो पंजाबी जुत्ती मुझे बहुत अच्छी लगती थी जब भी पहनते हैं वो, तो मैंने उनसे पूछा था सर ये कहाँ से आप लेते हो, तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत प्यारी है, जो कुर्ता पजामा पहनते हैं जुत्ती पहनते हैं, बहुत देखने में भी बहुत कमाल है, बोलते हैं तब भी मतलब लगता है कि कविता को कह रहे हैं, अलग ही पर्सनैलिटी है। ये बायोपिक बाकी बायोपिक्स बहुत सारी बनती है, इसमें खास तौर पे कुछ क्या है? हॉकी है, संदीप है, आप हैं। मुझे लगता है कि इस संदीप की जो जर्नी है पाजी की वो बाकी शायद क्योंकि सिर्फ ऐसे नहीं था कि मेहनत करके कुछ चीज़ हासिल करनी थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उनको गोली लगी थी, और हॉकी की गेम सारी पीठ पे है और पीठ पे गोली लगी थी और पैरालाइज हो गया था बंदे को, और वो उसके बाद कैप्टन बना है, ना कि मेहनत करके कैप्टन बन गया, मेहनत करके उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, मेहनत करके तो वो हॉकी खेल ही रहे थे टीम इंडिया में लेकिन कैप्टन नहीं थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक बना नहीं था,
तो वो जो एक इतना उनको बहुत बड़ा धक्का लाइफ में लगा, पैरालाइज हो गए, उसके बाद वो कैसे वापस आए, ये चीज़ मुझे लगता है कि बाकी बायोपिक्स इसको अलग करती है। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए दिलजीत। चलते चलते आखिरी में फिर से वही रिक्वेस्ट, अपने फैंस के लिए कुछ, कोई भी गुनगुनाना चाहे, कोई भी सुरमा का गाना आपने गुनगुना दिया, लेकिन कोई भी लाइन, कोई भी गाना, फेवरेट सारे ही हैं लेकिन कोई भी। कुड़ी जीदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। फिल्मों में मैंने दो ही गाने गाए, एक शिव कुमार बटालवी जी का, एक गुलजार साहब का। दोनों गाने बहुत प्यारे हैं और दोनों ही मेरे बहुत दिल के करीब हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ये थे दिलजीत जो बता रहे थे फिल्म सुरमा के बारे में। खास मुलाकात में बस इतना ही, आप देखते रहिए अमर उजाला टीवी।